जन जन की आस्था के प्रतीक दफौट क्षेत्र के हरु मंदिर में वृहद पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर वृक्ष मित्र किशन सिंह मलड़ा ने मंदिर समिति को निःशुल्क पौधे वितरित किए। बड़ी संख्या में ग्रामीणों व स्कूली बच्चों ने पहुंचकर हरु वन क्षेत्र में पौधरोपण किया। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र के समाज सेवी लोगों द्वारा हरु मंदिर के चारों ओर संयुक्त वन निर्मित किया जा रहा है। वन विभाग ने भी पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रेंजर श्याम सिंह करायत ने ग्रामीणों द्वारा पौधरोपण के लिए किए जा रहे प्रयास की सराहना की है। प्रकृति से जो लगाव है उससे हम जुड़े हैं। इसमें क्या है ना, हरु वन को एक हरियाली भरी बनाना है हमने, हरु वन के नाम से इसको हम वो करवा रहे हैं। इसमें मलड़ा जी का सहयोग रहता है, जो संरक्षण सहयोग रहता है, और वन विभाग से हमें अच्छा सहयोग मिलता है। हरु वन को हमने 10 साल में एक अच्छा सा वन बनाने में, विकसित करने में हमने अग्रसर रेंज के लिए, और हरु मंदिर की सब हरजी की कृपा है। जो भी हो रहा है हरजी ही करा रहे हैं, सब हरजी की महिमा है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज हरजू मंदिर के इस प्रांगण में जो यहाँ के युवाओं ने और ग्रामवासियों ने जो बेड़ा उठाया है, तो इसमें सभी का सहयोग है। आने वाले विगत वर्षों में इसका परिणाम हमें मिलेगा, और सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज हमारा एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम था हरु मंदिर में, हरु वन नाम से ये कार्यक्रम हम हर साल आयोजित करते हैं। 2021 में इसकी जो पहल की थी 30-35 ट्री गार्ड देके, वह किमोली मैन से हमने की थी। उसके साथ सभी लोग जुड़े थे। उसके बाद जो है क्षेत्र की और जनता भी जुड़ी थी, और हम प्रत्येक साल जो है इसी तरीके से जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं। आज भी बृहद रूप से एक कार्यक्रम हमारे द्वारा किया गया, जिसमें वन विभाग के लोग भी, अधिकारी लोग शामिल थे, उनका भी हम आभार जताते हैं। क्षेत्रीय जनता का भी हम आभार जताते हैं, वो हमें भी वो लोग इसी तरीके से जो है सहयोग करते रहे। और वृक्ष प्रेमी मलड़ा जी का तो विशेष सहयोग इसमें हर साल हमें रहता ही रहता है, और हमारा ये सप्ताह लगभग वृक्षारोपण के नाम ही रहेगा। और हम अन्य जगहों में भी जहाँ जहाँ हमें भूमि उपलब्ध हो पाएगी, हम ये वृक्षारोपण कार्यक्रम कम से कम एक सप्ताह तक चलाते रहेंगे। आज के दिन में जो हमारी ये कार्यक्रम रही वो अनबद्ध, अभिनव, अभूतपूर्व रहा। भविष्य भारत के लिए एक सृजनी शक्ति वृक्षारोपण कार्यक्रम, ये गुरु देवता की मंदिर में भव्य एक अनुष्ठान हुआ। आज सब कोई प्रसन्न हुए और तहे दिल से इस इलाके के उत्थान के लिए सृजनी शक्ति को आगे बढ़ावा देना, हरा भरा पेड़ पौधे फल फूल का जो जड़ी बूटियों का कार्यक्रम था, ये हमें बहुत आनंद आया। भविष्य में भी ये आगे पीढ़ियों को एक मार्गदर्शक के रूप में दृष्टांतकारी विचार रखते हैं कि आगे भविष्य पीढ़ी भी ऐसे एक एक इलाके में पहुँचे और श्रेष्ठ पेड़ पौधों को एकदम गांव-गांव घर-घर तक पहुँचा दे। आज हमने व्यक्तिगत रूप से भी बीज लाए थे, विभिन्न प्रकार के फलों का बीज, पेड़ पौधे वृक्षों का। तो मलड़ा जी यहाँ हैं, यहाँ हमारे माइंस के साहब लोग हैं, यहाँ सारे वृक्ष प्रेमी हैं। हाँ, तो इतना सुंदर एक भव्य अनुष्ठान को हम बधाई देते हैं, आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। आपके सामने खड़े हैं किशन सिंह मल्ला जी, वृक्ष प्रेमी। उन्होंने इतना बड़ा अभियान करा हमारे हरजू मंदिर में, हमारे दपोट क्षेत्र में इतना बड़ा एक प्रोग्राम हो गया है, जो 2 साल में कम से कम हमने यहाँ 300 ट्री गार्ड और लगभग 2000 पेड़ लगे हैं। और इसमें हमने कुछ पेड़ हमारे मर गए थे, उनमें दोबारा वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम हमारे जो ये महान वृक्ष प्रेमी किशन सिंह मल्ला जी हैं, और इनके द्वारा आयोजित करा गया है। अब हम इनको श्रेय देते हैं। दार श्री हरु धाम मंदिर में 2019 से वृक्ष रक्षक जालू के साथ हम पौधरोपण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तार बाड़ नहीं की जा सकती, गाँव वालों के पशु चुगान उगान में जाते हैं, बकरियाँ जाती हैं, तो इसलिए जो संयुक्त वन हम बना रहे हैं वो चीड़ के वन के बीच में बन रहा है। उसमें सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों और महानुभावों और गणमान्यों और युवाओं के जन्मदिन और कई विशेष कार्यक्रम में पौधरोपण होता है, और यहाँ के जो खड़िया माइंस ओनर्स हैं उनके द्वारा भी ट्री गार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2019 में हमें 25 ट्री गार्ड उपलब्ध हुए, उसके बाद 2020-21 से 151 ट्री गार्ड उपलब्ध हुए, इस सत्र में हमें 50 ट्री गार्ड सभी के सहयोग से मिले, तो अभी 311 ट्री गार्ड वहाँ पर उपलब्ध हो के बहुत सुंदर एक वाटिका बन रही है हरु वन के नाम से। तो अगर कम से कम 5 साल अगर इसी देख रेख से हम इस स्थान को अगर डेवलप करेंगे तो बहुत संख्या
अच्छा संयुक्त फॉरेस्ट बनेगा और पर्यटन की दृष्टि से यह स्थान इतना मतलब सौंदर्यपूर्ण है कि यहाँ से मतलब 2-3 जिले सामान्य तौर से दिखाई देते हैं, ऐसा यहाँ का लुक है। और मैं सभी सहयोगियों का विशेष आभार धन्यवाद करता हूँ। न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बाकी।